दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपकी ही पसंदीदा चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में चर्चा का विषय है हाउ टू नो व्हिच स्टॉक विल राइज टुमारो, अगले दिन कौन सी स्टॉक ऊपर जा सकता है, कौन सी स्टॉक घोड़े की तरह भाग सकता है। पैसा कह सकते हैं एक दिन पहले हम कैसे जानेंगे अगले दिन कौन सी स्टॉक ऊपर जा सकता है। इससे पहले मैंने दो वीडियो अपलोड किया था दोस्तों, इन दोनों वीडियो को देखिएगा। और ये पार्ट थ्री वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ आप सबके लिए, और भी आगे इस तरह के वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो एनालिसिस पर जाने से पहले आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा, अगर आप लोग मेरे माध्यम से आप स्टॉक एंजल वन या फिर जीरोधा में अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको मेरी टेक्निकल एनालिसिस प्रीमियम कोर्स की टोटल 55 वीडियोस फ्री में दिए जाएंगे। अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एनालिसिस करते हैं। स्टेप नंबर वन, हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स। क्योंकि दोस्तों, स्टॉक सिलेक्शन में अगर आपने गलती कर लिया तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, आपकी स्ट्रेटजी वर्क नहीं करेगा। इसलिए आपकी स्टॉक सिलेक्शन बेहतर से बेहतर होना ज़रूरी है। इसलिए हमें गूगल में सर्च करना है ब्रेकआउट स्टॉक्स। जैसे हम सर्च करेंगे तो दूसरी पोजीशन में आपको देखने को मिलेगा पॉजिटिव ब्रेकआउट टुडे मनी कंट्रोल। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो पेज ओपन हो जाएगा। वैसे ये लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर से आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। तो हम इस वेबसाइट को विजिट करेंगे। राइट, विजिट करने के बाद स्टॉक सिलेक्शन का जो तरीका रहेगा दोस्तों, हमें चार मूविंग एवरेज यहाँ पर सिलेक्ट करना है। 50 डेज, 100 डेज, 150 डेज एंड 200 डेज। इन चारों मूविंग एवरेज को ऊपर अगर स्टॉक प्राइस डे चार्ट में क्लोज होता है, उस तरीके के स्टॉक में हम सिलेक्ट करेंगे। और अगर इन चारों मूविंग एवरेज को ऊपर क्लोज नहीं होता है दोस्तों, मिनिमम दो मूविंग एवरेज को ऊपर क्लोज होना चाहिए, 50 डेज और 100 डेज। 50 डेज और 100 डेज के ऊपर भी क्लोज होता है तो हम स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे और स्टॉक के ऊपर हम ट्रेड करेंगे अगले दिन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, 200 डेज के ऊपर ये क्लोज हुआ है, 150 डेज के ऊपर क्लोज हुआ है, मतलब 100 डेज के ऊपर क्लोज हुआ है, 50 डेज के ऊपर क्लोज हुआ, 30 डेज के ऊपर क्लोज हुआ। तो इस स्टॉक को हम सिलेक्ट करेंगे, सारे पैरामीटर्स को ये फुलफिल किया और स्टॉक का नाम है एफटेक। चार्ट में ओपन करेंगे एफटेक को। आप पॉइंट नंबर वन, हम इसमें क्या इंडिकेटर अप्लाई करेंगे? पॉइंट नंबर वन, हम इसमें वॉल्यूम अप्लाई करेंगे। पॉइंट नंबर टू, दो मूविंग एवरेज हम अप्लाई करेंगे, 50 डेज और 100 डेज। आप दोस्तों कह सकते हैं सिर्फ दो मूविंग एवरेज क्यों अप्लाई करेंगे? उसका कारण ये दोस्तों, हमने पहले ही देख लिया कि स्टॉक चारों मूविंग एवरेज के ऊपर है, हमें मिनिमम दो मूविंग एवरेज के ऊपर होना ज़रूरी है, वो है 50 और 100। इसीलिए मैंने सिर्फ 50 और 100 यहाँ पर अप्लाई किया। पॉइंट नंबर थ्री, मतलब जिस स्टॉक को आपने सिलेक्ट किया वो स्टॉक 100 डेज और 50 डेज के ऊपर क्लोज हुआ, लेकिन उसका डिलीवरी परसेंटेज भी ज़्यादा होना ज़रूरी है। अब कितना परसेंटेज हो सकता है दोस्तों? 10% हो सकता है, 20% हो सकता है, 15% हो सकता है। मिनिमम 10% की ऊपर जो स्टॉक डिलीवरी में ट्रेड हुआ है, इस तरीके की स्टॉक को आपको सिलेक्ट करना है। तो ये तीन पॉइंट को आपको फॉलो करना है स्टेप नंबर वन में। बात करेंगे स्टेप नंबर टू। जब स्टॉक प्राइस डे चार्ट में 100 डेज को ब्रेकआउट करते हैं और उस समय की जो वॉल्यूम हाई है, वो हाई वॉल्यूम पिछले कुछ दिन पहले की जितने वॉल्यूम हैं उस वॉल्यूम से ज़्यादा होना ज़रूरी है, साथ ही साथ स्टॉक प्राइस में कुछ हद तक साइडवे रेंज रहना ज़रूरी है। क्या दोस्तों? जैसे कि इस कैंडल को देख सकते हैं, हाई ट्रेड के साथ ब्रेकआउट हुआ और क्लोज भी हुआ है, वॉल्यूम भी हाई है। पिछले कुछ दिनों की जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम लो है, और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पिछले 7-8 दिनों से प्राइस लगभग एक ही रेंज में घूम रहा है, ना उतना ज़्यादा ऊपर हाई क्रिएट कर रहा है, ना उतना ज़्यादा लो क्रिएट कर रहा है। इस तरह के स्टॉक को हमें सिलेक्ट करना है। अब हम प्रॉपर वे में देखेंगे कि एक्चुअली ये कितना वर्क करती है दोस्तों, क्योंकि अगले दिन ऊपर जाएगा ऐसा ज़रूरी है क्या? हमारी कहने से तो स्टॉक नहीं चलेगा, स्टॉक अपने हिसाब से चलेगा। लेकिन स्टॉक हमेशा प्रीवियस डाटा को फॉलो करते हुए अपने भविष्य की प्राइस को निर्धारित करते हैं, और उसका प्रूफ आपको अभी देखने को मिलेगा। जैसे क्लियरली समझेगा दोस्तों, मैं क्लियरली समझाने की कोशिश करूंगा आप सबको प्रॉपर वे में। प्लीज़ वीडियो को पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्राइस जब 100 डेज या फिर 50 डेज को ब्रेकआउट करते हैं, तब कैंडल यहाँ पर देखिए, 100 डेज और 50 डेज को ब्रेकआउट किया,
दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ, और जब क्लोज हुआ दोस्तों हाई क्वांटिटी में ट्रेड हुआ, और वॉल्यूम भी देखिए ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ है। और दोस्तों जब ब्रेकआउट हुआ उससे पहले का जो वॉल्यूम था उस वॉल्यूम को एक बार देखिए, वॉल्यूम लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ था, लो वॉल्यूम के साथ, ठीक है, बराबर मिला आपको देखिए। और इससे पहले की जो ट्रेड था वो लगभग कुछ दिन तक साइड वे में था, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कुछ दिन तक साइड वे में था, ठीक है। ये देखिए अब एक बार इसको देखिए, मैंने ये भी चर्चा किया था जब ये ब्रेकआउट करेगा दोस्तों, ब्रेकआउट करने के बाद कुछ दिन तक स्टॉक प्राइस में अप मूवमेंट रहता है, तो ये भी एक बार हम प्राइस के साथ देख लेते हैं। देखिए प्राइस अगर हम देखें तो मान लेते हैं यहाँ पर क्लोज हुआ दोस्तों, क्लोजिंग के बाद देखिए स्टॉक प्राइस में जो मूवमेंट था वो मूवमेंट अगर हम देखें तो 27.26 पॉइंट, 27 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पर हुआ है कुछ दिन तक। हाँ उसके बाद देखते हैं आगे जाके तो यहाँ पर आपको क्या सिनेरियो मिला दोस्तों, यहाँ पर आपको जो सिनेरियो देखने को मिला मेरे स्ट्रेटजी के मुताबिक वो है हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड होने से पहले, यहाँ पर लो वॉल्यूम था, स्टॉक प्राइस कुछ दिन तक साइडवे में था, हाई क्वांटिटी में ट्रेड हुआ, ब्रेकआउट हुआ, बिग बुलिश कैंडल, वॉल्यूम भी हाई देखिए, उसके बाद कुछ दिन तक स्टॉक प्राइस में अप मूवमेंट। अब आगे देखो आगे का सिनेरियो क्या है, अब यहाँ पर देखिए स्टॉक प्राइस पहले से ही 100 डेज के ऊपर था, वो ऊपर से गिरा और 100 डेज के ब्रेकआउट किया था नीचे की तरफ, फिर ऊपर आया, मतलब यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद दोस्तों जब 50 डेज को ब्रेकआउट किया और उस समय देखिए यहाँ पर हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ है, हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ, लेकिन इससे पहले का जो वॉल्यूम है वो आगे पीछे होता रहा, तो इस तरीके के ट्रेड को आपको इग्नोर करना है क्योंकि हमें ब्रेकआउट में ट्रेड करना है, ब्रेकआउट स्टॉक को सिलेक्ट करना है, जो स्टॉक 100 डेज और 50 डेज को ब्रेकआउट किया, लेकिन यहाँ पर तो ब्रेकआउट किया नहीं क्योंकि ये नीचे गिरा फिर ऊपर आया, क्योंकि इससे काफ़ी दिन पहले दोस्तों ये स्टॉक 100 डेज के ऊपर था, बाद में 50 डेज को ब्रेकआउट किया, तो इस तरह के की जो सिनेरियो है इसको आपको इग्नोर करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्टॉक प्राइस जब ब्रेकआउट किया, यहाँ पर देखिए नीचे आया फिर ब्रेकआउट किया, अब देखो ये सिनेरियो, ठीक है, स्टॉक प्राइस 100 डेज और 50 डेज को ब्रेकआउट किया और देखिए हाई क्वांटिटी के साथ ट्रेड हुआ, एक बुलिश कैंडल बड़े कैंडल के साथ ट्रेड हुआ, हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ, और इससे पहले का जो वॉल्यूम था दोस्तों वो वॉल्यूम देखिए एक बार, देखिए लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ, लो वॉल्यूम, उसके बाद हाई वॉल्यूम, ब्रेकआउट कैंडल, इससे पहले कुछ दिन तक, 2-4 दिन तक 5 दिन तक 10 दिन तक आप कह सकते हैं साइड वे में था, ठीक है। और उसके बाद जो मूवमेंट हमें देखने को मिला अगर हम ट्रेड करते हैं तो देखिए ज़बरदस्त बेनिफिट, कितने पॉइंट, 42 पॉइंट मिला हमें 35 दिन में 42 पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद देखिए और भी अगर हम देखिए होल्ड करते हैं उसको तो देखिए कितना पॉइंट मिलता है, 120 पॉइंट मिलता है 100 दिन में, ठीक है। ब्रेकआउट उसके बाद कब मिला, ब्रेकआउट ढूंढते हैं दोस्तों, ब्रेकआउट ढूंढो, एक ही स्टॉक में देख रहे हैं दोस्तों आप, काफ़ी सारे स्टॉक में इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करके देखिएगा, ठीक है। उसके बाद और देखते हैं आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब दोस्तों इस जगह को देखिए, ये एक फेक ब्रेकआउट है, फॉल्स ब्रेकआउट हो उसको समझिएगा, ठीक है। ये हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ, हाई क्वांटिटी के साथ ट्रेड हुआ हम कहेंगे, लेकिन क्लोज हुआ कहाँ पर दोस्तों, 50 डेज के ऊपर, लेकिन 100 डेज के नीचे है। हमारी जो पैरामीटर्स उसमें हमने क्या कहा था दोस्तों, स्टॉक प्राइस 100 डेज और 50 डेज के ऊपर क्लोज होना ज़रूरी है, लेकिन ये तो दोस्तों 100 डेज और 50 डेज को ब्रेकआउट किया था लेकिन क्लोज तो नीचे हुआ ना, लेकिन अब की बार देखिए दोस्तों, अब की बार जो हुआ है कैंडल 50 डेज और 100 डेज को ब्रेकआउट करते हुए उसको ऊपर क्लोज हुआ है, हाई क्वांटिटी के साथ ट्रेड हुआ आप कह सकते हैं, हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ, और वॉल्यूम इससे पहले का जो वॉल्यूम है वो लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ, और इससे पहले का जो ट्रेड था कुछ दिन तक लगभग साइड वे में था, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्टॉक सिलेक्ट करना है तो आपको बेनिफिट अच्छा मिलेगा, हमें आशा है आपको पसंद आया दोस्तों, और भी काफ़ी सारे वीडियो में शूट करूँगा, ये पार्ट 3 है, पार्ट 4, 5, 6, 7, 8 में लाऊँगा एक ही वीडियो में,
चर्चा करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। वैसे भी ये वीडियो दोस्तों काफ़ी लंबा हो चुका है। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज के लिए विदा लेना चाहूँगा, धन्यवाद।